नमस्ते, मैं हूँ झुमू पॉली। पॉली ग्रिल में आप सबका स्वागत है। आज मैं विंटर की एक जबरदस्त सब्जी रेसिपी दिखाऊंगी, खसखस और सरसों की ग्रेवी में सीम। आपकी लंच डिनर की मजा ही कुछ और लगेगा ये फैंटास्टिक सब्जी के साथ। आइए देखते हैं। मुझे चाहिए 250 ग्राम सीम, 7 सूत्रा करके बीच में से आधा आधा कलेंगे। मैं सब सिम को आधा आधा टुकड़ा कर लिया। एक कटोरी में डालिए 1 टेबल चम्मच ब्लैक मास्टर सेट, 1 टेबल चम्मच व्हाइट मास्टर सेट और 1 टेबल चम्मच खसखस यानी पॉपी सीड्स। आधा कप पानी डाल के 15-20 मिनट सोक कर लीजिए। 15-20 मिनट बाद ब्लेंडर में डाल के फाइन पेस्ट बना लेंगे एक खसखस और सरसों। इसके साथ डाल दीजिए 5-6 ग्रीन चिली, लेकिन तीखा स्वाद अगर पसंद नहीं है तो मत डालिए। बस मेरा सरसों खसखस की पेस्ट रेडी। अब कढ़ाई में 1 टेबल चम्मच मस्टर्ड ऑयल गरम कीजिए। आधा टुकड़ा किया हुआ सीम गरम तेल में डाल दीजिए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच नमक मिलाकर अच्छे से फ्राई कर लीजिए। बस ये सीम नाइसली डन। अब इसे कढ़ाई में से निकाल लीजिए। कढ़ाई में बचे हुए तेल के साथ 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कीजिए। इसमें डालिए 1/4 टीस्पून काला जीरा, 1 कप चॉप्ड अनियन, 2 मिनट पकाएं। फिर डालिए 1 छोटा टमाटर की टुकड़े, 1 मिनट पकाएं। अब इसमें डालिए 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और सरसों खसखस की पेस्ट। ब्लेंडर में चिपके हुए मसालों के साथ 2 टेबल चम्मच पानी मिलाकर कढ़ाई में डाल दीजिए। ये मसाला वेस्ट मत कीजिए, बढ़िया से मिलाइए, 2 मिनट पकाएं। फिर फ्राई किया हुआ सीम डाल दीजिए, ग्रेवी के साथ अच्छे से मिलाइए। फिर डालिए 1/2 चम्मच शक्कर, 2 मिनट पकाएं। अब ऊपर में डाल दीजिए 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, लीड लगाकर स्लो फ्लेम में 5 मिनट पकाएं। आहा, देखिए खसखस और सरसों की ग्रेवी में स्वादिष्ट सीम की सब्जी तैयार। मुझे विश्वास है आपको ये बहुत पसंद आएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे।